ओके, तो आज हम अनबॉक्स करने वाले एक मल्टीग्रिप पुल अप बार फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड सफायर, जिसको मैंने ऑलमोस्ट आधा खोल लिया है। तो अंदर क्या है दिखाता हूँ, चलो। ओके, तो सबसे पहले ये ऑफकोर्स पुल अप माउंट के जो ब्रैकेट्स है वो है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफकोर्स ऐसे स्क्रूज दिखते हैं। स्पैनर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज में देखता हूँ ऐसे स्पैनर्स प्रोवाइड नहीं करते, सो वेरी गुड। और लास्टली दिस इज आर मल्टीग्रिप पुल अप बार, एंड ये एक्चुअली क्वाइट हैवी है, यू नो। वाओ, दिस इज वेरी इंप्रेसिव कि इसका एक क्वाइट हैवी है, ये शायद सॉलिड स्टील से बना है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट इन द बॉक्स, यू नो। ये जो बोथ पुल अप बार के जो ब्रैकेट्स है और ये जो पुल अप बार है भाई, एकदम भी हल्का नहीं है। इन सभी का खुद का एक वेट है, यू नो। इन सभी का एटलीस्ट 10-15 केजी तो वेट होगा यार। चलो इस पुल अप बार को हम दीवार पे लगाते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी कि पुल अप बार लग के बन चुका है हमारा रेडी। एंड ऑनेस्टली इस पुल अप बार को लगाने में उतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इसको लगाना एक्चुअली वाज मच इजियर देन इसको लगाना। बट हियर इज वन थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट, ये जो बीच का आपका जो होल है ना, ये वाला जो होल है, और इस साइड पर भी जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इस पर स्क्रू नहीं मारा है। इज बिकॉज इस बीच वाले स्क्रू में ऐसे हैमर डाउन करना बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ये चीज़ बीच में आ रहा था। एक्सेप्ट फॉर दैट आई वुड नॉट से कि इसमें मुझे और कोई प्रॉब्लम आया। इवन विद 1, 2, 3, 4 जस्ट 4 स्क्रूज, दिस इज होल्डिंग अप वेरी वेरी वेल, आई वुड से। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई गॉट दिस पुल अप बार, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल मल्टी ग्रिप। इसमें इतने सारे ग्रिप्स, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कितने सारे ग्रिप्स आप इस पर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका ऐसा है एक क्लोज न्यूट्रल ग्रिप। उसके बाद अगर आप ये एंड और ये एंड को पकड़े, आप ऐसे एक मीडियम न्यूट्रल ग्रिप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको और इसको पकड़े, यू कैन डू अ वाइड न्यूट्रल ग्रिप लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ स्लैंटेड है, इस पे आप बेसिकली इस तरफ ऐसे स्लैंटेड चिनअप्स कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ घूम जाए, देन यहाँ पे आप ऐसे स्लैंटेड पुलअप्स कर सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर दैट आपका जो ये नॉर्मल पुलअप का ग्रिप और ये जो नॉर्मल चिनअप का ग्रिप होता है, वो तो आप कर ही सकते हैं। इस पे आप ऐसे वाइड ग्रिप पुलअप्स भी कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली ये जो वाइड का ग्रिप है, ये अगर थोड़ा सा और ऐसे स्लैंटेड होता, देन ये बेटर होता, यू नो। दिस ग्रिप इज स्टिल ऑफकोर्स बेटर देन अ स्ट्रेट बार, हाउएवर ये थोड़ा सा और स्लैंटेड होता, देन आई थिंक इट वुड हैव बीन मच मोर इजियर ऑन द रिस्ट। ये जो आपको स्लैंटेड ग्रिप मिल रहा है, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि वेन एवर आई गो हैवियर देन 25 केजीज ऑन वेटेड पुलअप्स, जब मैं ऐसे चिनअप करता हूँ ना, मेरे रिस्ट पे यहाँ पे पेन होता है। हाउएवर विद दिस स्लैंटेड ग्रिप, दिस अलाइंस मच बेटर विथ माई रिस्ट, यू नो। तो जो पेन होता था, वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम अभी इस पुल अप बार के बिल्ड क्वालिटी की बात करें, देन इसका वेट इजीली 15 से 20 किलो होगा यार। दिस इज नॉट अ लाइट वेट पुल अप बार। ये जब मैंने पहली बार यूज़ की थी, बहुत ही ज़्यादा हल्का, यू नो। कंपेयर टू दिस, दिस इज वेरी वेरी हैवी, यू नो। जो मेटल दिया है, इट इज़ वेरी वेरी हैवी ड्यूटी, कोई पतला क्वालिटी का मेटल नहीं है। और ये जो पूरा मल्टी ग्रिप है, दिस इज ऑल्सो वेरी हैवी ड्यूटी, यू नो। आपको पतला स्टील का गॉज नहीं मिल रहा, इसलिए इस पर पुल अप करके आई फील वेरी वेरी सेफ, यू नो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गिर जाएगा या फिर ये मेटल टूट जाएगा, इट फील्स वेरी सेफ। जो कोर का पुल अप बार है, उस पर जब मैं वेटेड पुल अप्स करता था, ऑनेस्टली मुझे डर लगता था कि वो गिर ना जाए। अभी तक तो गिरा नहीं है, इट इज वर्किंग। हाउएवर, यू नो, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। हाउएवर आई वुड से इसके साथ I just don't have any lack in confidence, you know. Build quality is very very good. और अभी आपको इसका जो grip का diameter है वो कितना है बताता हूँ। पुल अप बार का जो grip का diameter है, you know, ये 28 mm है throughout. मतलब यहाँ पे पकड़े 28, यहाँ पे भी 28, all over it's a 28 mm grip diameter. And basically 28 mm grip diameter मतलब आपका जो Olympic barbells होते हैं basically, उसका जो grip diameter होता है, सेम ग्रिप डायमीटर है आपका ये। हाउएवर इसका एक नॉल्ड वाला वर्जन भी आता है, यू नो। आप देखेंगे अमेजोन पे जाके, 3,000 रुपये का है, और इसका एक ब्लैक नॉल्ड वाला वर्जन आता है जो अराउंड आपका आई गेस 4,000 रुपये, यू नो। बट ऑफकोर्स आई बॉट दिस बिकॉज ये रेड कलर है, मेरे होम जिम एस्थेटिक के साथ जाता है। आई डोंट थिंक आई नीडेड नॉल्डिंग इन पर्टिकुलर, बट अगर आपको नॉल्डिंग चाहिए, देन 1,000 रुपये दे के आप ब्लैक पर भी ले सकते हैं। बट ऑनेस्टली आई थिंक दिस लुक्स मोर प्रीटियर देन द ब्लैक वन, जस्ट माई ओपिनियन। ऑल्सो गाइस, दिस इज नॉट अ स्मॉल पुल अप बार, मैं आपको मेजर करके बताता हूँ कि इसका एक्चुअल लेंथ कितना है, ठीक है। सो दिस इज अराउंड 4 फुट 2 इंच लंबा है, नो, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी वाइड। कि अगर हम डेप्थ की बात करें, डेप्थ देखते हैं कितना है, इट इज अराउंड 22 इंचेस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस पे अगर मसल अप कर पाएंगे कि नहीं, आई थिंक आप इसे मसल अप कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूँ। ओके, सो द रीजन आई एम सेइंग कि इस पे आप मसल अप शायद कर पाएंगे, देखो मुझे मसल अप तो करना नहीं आता, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। आप अगर इस पे झूले,
एज यू कैन सी कि आपको सामने थोड़ा सा एरिया है, तो अगर आप एक स्ट्रिक्ट मसलअप करना चाहते हैं, आई थिंक आप एक स्ट्रिक्ट मसलअप इस पे कर पाएंगे। अगर आप मसलअप सीख रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कीपिंग करना ज़रूरत है, तब मुझे नहीं लगता तब शायद आपको वॉल का सपोर्ट लेना पड़े। बट इफ़ यू कैन डू स्ट्रिक्ट मसलअप्स, आई थिंक यू कैन डू अ मसलअप ऑन दिस प्रीटी इजली। इसका वॉल से डिस्टेंस इनफ है, मसलअप पे प्रोफिशियंट है, देन आई थिंक आप कर पाए। या फिर अगर आप चाहते हैं रेजिस्टेंस बैंड झूला के भी, आई थिंक इस पर आप मसलअप सीख सकते हैं। तो इस पुलअप बार को मैं अभी अराउंड 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई वुड से 100% रिकमेंड यू दिस पुलअप बार। इंडिया में अच्छे मल्टीग्रिप पुलअप बार की एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी है, बट आई थिंक आई मेड अ ग्रेट चॉइस गोइंग विद दिस, यू नो आई एब्सोल्युटली लव दिस। मुझे अभी तक इसमें कुछ ऐसा लॉ नहीं दिखा ऑनेस्टली, एंड आई एम एक्चुअली लविंग एवरी सिंगल एस्पेक्ट अबाउट इट। यू नो मुझे पर्सनली वेटेड पुलअप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यू नो, एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग टूल फॉर मी। 100% रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, यू आर गोइंग टू लव दिस भाई। अगर आपको अभी इस पुलअप बार खरीदना है, चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे, दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस चैनल। ट्रस्ट मी भाई, मेरे नेगेटिव रिव्यूज देखने के बाद बहुत सारी कंपनीज मेरे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहती। यूजिंग माई लिंक विल डायरेक्टली सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे और भी होम जिम इक्विपमेंट्स आप लोगों के लिए खरीद के रिव्यू कर पाऊँ। अभी अगर आपको एक और सस्ता 1000 रुपए का पुलअप बार का एक रिव्यू देखना है, जाके इस वीडियो को देखो। बाय बाय।